भेजा तूने उसे अभी तक मेरे पास? मुझे उसे देखना है माँ, मुझे उसकी जरूरत है, भेजना माँ। बैठ बैठ बैठना। तेरे लिए राह में आंखें बिछाए बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं चला। इतना निठुर कैसे हो गया रे तू? विषयी लोगों से बातें कर करके मेरे होंठ जल गए रे नरेंद्र। सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है उसे देना चाहता हूं, जो पात्र हो, समझ सके, ग्रहण कर सके। और वो तू है नरेन, तू है प्रभु। मैं जानता हूं तुम कौन हो, पुरातन ऋषि नर नारायण। सांसारिक जीवों की दुर्गति निवारण के लिए ही तुम इस धरती पे आए हो। मैं जानता हूं कब जी खा लूंगा। बाहर मेरे मित्र खड़े हैं, हम सब मिलकर खा ले। उनके लिए और है, ये तू खा। आ, आ, इधर बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। ये ले खा, और खा। आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे यहां बैठा देख रहा हूं ठीक वैसे। मानव मन की सगुण अनुभूति उसके दर्शन करा सकते, उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी कर सकते जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं। किंतु भगवान को कौन चाहता है? कोई चिंता करता है भगवान की? लोग अपने बाल बच्चों के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है? कोई नहीं रोता। अरे सरल भाव से रोकर उसे पुकारे तो सही, भगवान स्वयं उसे मिलने चले आते। हाँ चल खा। Thank you.
राजा ठाकुर, मेरे घर में माता पिता है, माता पिता है। ठीक है ठीक है, आज यहीं तक, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा सारा ज्ञान अर्थहीन हुआ जा रहा है, समझ में नहीं आता कि ज्ञान सत्य इस अद्भुत पागल नाबालिग जैसे सरल इंसान के बारे में कोई ठीक फैसला नहीं कर पा रहा। यह सम्मोहन विद्या है या अर्धोन्माद, कुछ समझ में नहीं आता। ये ले, ये ले, खा, ये ले खा। ठाकुर, आज मैं चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। आएगा ना? हाँ, आऊंगा, आऊंगा। आएगा ना नरेन? हाँ, मैं फिर आऊंगा। हाँ। बारे में ऐसे ही सोचते हैं क्या? किसकी मूर्ति है रे? विक्रम बाबू की है ठाकुर। बाबू को खड़ा किए बिना ही मूर्ति बना रहा है, कैसे? उनकी छवि मेरे मन में है और मन जैसे जैसे कहता है मेरे हाथ उसी तरह बनाते जाते हैं। मेरा मन शंकाओं से भरा था, आपने उन्हें दूर कर दिया ठाकुर, आपने दिखा दिया कि सत्य क्या है। अनेक में एक, एक में अनेक। मोस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम्स आर ओनली इंटेलेक्चुअल डायग्राम्स गिविंग नो प्लेस टू द इमोशंस ऑफ मैन, thereby stifling his creative and responsive faculties. दुष्ट, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। माँ कहती है मैं तुझे चाहता ही इसलिए हूं कि मुझे तुझ में भगवान दिख पड़ते। माँ, मेरा नरेन खराब सोना है मां, तमा नहीं। नहीं चाहिए मुझे ये सब किताबी ज्ञान, सत्य की मीमांसा। Thank you.
मुझे परम सत्य चाहिए, केवल शुद्ध सत्य। सत्य के दर्शन हो जाए तो मानो धर्म की राह मिल गई, वो स्रोत मिल गया जिससे सृजन की सारी धाराएं निकलती है। बेटा, सत्य को हर ओर से परखने का प्रयास कर, हर तरफ से जानने की कोशिश कर। क्यों आता है यहां? अगर मेरी मां में विश्वास नहीं है तो क्यों आता है? जरूरी नहीं कि मैं यहां आऊं तो आपकी हर चीज पर विश्वास भी करूं। आपकी मां मरीचिका है, मृत तृष्णा। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। वो एक भ्रम है, माया जाल, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास के लिए चाहिए प्रमाण, पक्का सबूत। ना होने से मैं कहता रहूंगा कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं, उसका कोई आकार नहीं। दिन के समय तारे नहीं दिखते तो क्या तू कहेगा तारे हैं ही नहीं? अरे, तारे देखने के लिए पूरे दिन प्रतीक्षा करनी होती है, रात की प्रतीक्षा। और फिर सभी तेरी तरह जानवर थोड़े ही हैं। साधारण मानुष के लिए निराकार ब्रह्म की कल्पना अतीत है, पर मेरी मां सत्य है, साकार ब्रह्म। याद रखना, एक दिन तू मेरी मां को स्वीकार तो करेगा ही, बल्कि उसके चरणों में रो रो कर लौटेगा भी। हां, आध्यात्मिक सत्य वो तो सब तर्कों से ऊपर है। उस सत्य को पाने की तड़प या कि चेतनता की उस ऊंची अवस्था में विश्वास करना ही आध्यात्मिकता है। ठाकुर भी तो यही कहते हैं कि बुद्धि से जो सत्य प्राप्त हो उस पर तो विचार किया जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक सत्य वो तो सारे विचारों से ऊपर है। निश्चित अन्न खाया है। तो क्या हुआ? तू है खुली तलवार की तरह, अखंड का घर, सप्त ऋषियों में से एक। तू अगर निश्चित अन्न खाए भी तो कोई पाप नहीं। तेरे अंदर तो निरंतर ज्ञान की अग्नि जल रही है। वो अग्नि सारे आहार दोष को भस्म कर देगी। जैसे मैंने तेरा यह हाथ हटाया है, उसी तरह मैं तेरे हृदय पर पड़ा पर्दा भी हटा सकता हूं और तेरे भीतर भी झांक सकता हूं। चंचल माया तुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकती। नरेंद्र नहीं मानता। आप बेकार में मेरी तारीफ करते रहते हैं। मुझे आपके कहे का बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं सदा सच बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मेरी मां मुझे बोलने को कहती है, और कोई बात मैं बोलू। नरेन, नरेन, Thank you.
मैं खंभे से टकरा गया। मैं गली में जैसे नींद में चलता रहा, सपने में चलता रहा, चलता रहा और टकरा गया। किंतु क्यों, क्या अर्थ है इसका? मेरा खंभे से टकराना और टकराकर धरती पर गिरना, यह तो शरीर की सच्चाई है। तो मैं कहां हुआ, सच में या सपने में? काफी है, पर उसकी पहली जरूरत होती है रोटी, मोटी रोटी, मोटा कपड़ा, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद धर्म। प्रणाम ठाकुर। किंतु ये कैसे होगा? इसके लिए चाहिए उदार मनुष्य, उसके बाद धन। इन दोनों को दीन तक पहुंचना होगा। प्रणाम ठाकुर। तब कहीं जाकर बात समझ में आती है। अब तुम लोग, मजा आया ना, मजा आया। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना पैरा, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, सदगुरु बिना ना छुट्टी है, मन मन साकी दाग, बिना प्रेम धीरज नहीं। ठाकुर, आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूं, तू क्यों आता है यहां मेरे पास? आज तो मैंने तेरे से बात भी नहीं की, तेरी तरफ देखा भी नहीं, तेरी परवाह भी नहीं की। जी आता हूं, पर आपकी बकवास सुनने थोड़ी आता हूं, बल्कि इसलिए आता हूं क्योंकि क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी उपेक्षा नहीं सह सकता रे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। देख, मैंने तपस्या करके बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां पाली, तुझे देना चाहता हूं सब। तू जीत पात्र है, उन्हें स्वीकार और मानवता की भलाई के लिए उनका उपयोग कर। इन शक्तियों की मदद से मैं भगवान को देख सकूंगा क्या? नहीं रे, नहीं। फिर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, फिलहाल तो नहीं चाहिए, और लगता है आगे भी नहीं चाहिए होंगे। मगर इन सिद्धियों के चाहने वाले ढेर सारे लोग आपके चक्कर लगा रहे होंगे, दे दीजिए उन्हें, वो आपको दुआ देंगे, याद रखेंगे आपको। हर कोई इतना ऊंचा नहीं उठता नरेन, जो सिद्धि पा सके। ठाकुर, एक बात पूछूं? पूछ। हम लोग भगवान से मिलना तो चाहते हैं, पर मिल नहीं पाते, ऐसा क्यों? शर बदला तो
ये मक्खियां देख रहा है नरेन, ये मक्खियां ग्लास के बाहर रहकर ही शरबत का स्वाद लेना चाहती है, कि तू शरबत का स्वाद जानने के लिए तो उसमें डूबना होगा ना, और उसी से ये मक्खियां डरती है, मौत से डरती है। लोग भाग भी यही मक्खियों की तरह ये नहीं जानते, अरे सच्चिदानंद के शरबत में डूबने से मृत्यु थोड़ी ही होती, अरे उसमें डूबने से तो स्वयं शरबत बन जाते हैं। ये शरबत सच्चिदानंद का है, घूट घूट पियो इसे, पियो। ठाकुर, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है जैसे कि सब अंधविश्वास है। विश्वास तो होता ही अंधारे नरेन, ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसे आंख देख सके। विश्वास से ज्ञान बढ़ता है, जहां तर्क बढ़ जाता है वहां अहंकार रह जाता है, ईश्वर दर्शन होता नहीं। धर्म को जानने के लिए अनुभव करना जरूरी है। हर माँ जानती है कि किसी भी ज्ञान का आधार अनुभव ही होता है। ये आदमी कितना महान है किंतु कितना सरल।